कथा भागवत में बहुत संक्षेप में है महाराज, इसलिए हम भी केवल इतना ही कह करके कथा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कभी राम जी की कथा कहने के लिए बुलाओगे तो विस्तार से 9 दिन कहेंगे। तो ऐसे में भगवान राघवेंद्र सरकार के रूप में एक और अवतार, जैसा कि सूत जी महाराज से प्रश्न किया था 24 अवतारों की कथाओं के बारे में, सूत जी महाराज ने एक और कथा कहा कि बोले भगवान परशुराम के रूप में भी जमदग्नि के पुत्र के रूप में एक और अवतार भगवान कर रहा है। जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम, और भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञाता थे। बहुत सारी भ्रांतियां भगवान परशुराम जी के बारे में यह प्रचलित है। हमेशा जब भी भगवान परशुराम जी की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जो कि मिथक है, सत्य नहीं है। मात्र उन्होंने है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन के वंशज राजा और उनके मित्र राजाओं का ही नाश किया था, अन्य राजाओं का नाश नहीं किया था। पर प्रचार में क्या आ गया कि 21 बार पृथ्वी को ही क्षत्रिय विहीन कर दिया, जबकि स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में कि 21 बार है वंशी क्षत्रियों वह उनके 21 मित्र राजाओं का वध उनके द्वारा किया गया। परशुराम जी के लिए कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये वो सिखाते हैं, उनका अवतार सिखाता है। गुरुओं में यदि कोई श्रेष्ठ गुरु है तो भगवान परशुराम, शिक्षकों में यदि कोई श्रेष्ठ शिक्षक है तो भगवान परशुराम, जिनके पास स्वयं भगवान कृष्ण भी गए। भगवान कृष्ण ने उनके पास जाकर के सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष प्राप्त किया। गणेश जी को उन्होंने अपना फरसाई दे दिया, मात्र इसलिए कि उनके फरसे से गणेश जी का दांत टूट गया और गणेश जी को रुआसा देखा, व्यथित देखा। उनके पास जाकर के भगवान परशुराम कहते हैं कि गणेश जी, इस बार सूर्य वंश में नहीं चंद्र वंश में अवतार लिया, दिन में नहीं रात्रि के समय अवतार लिया, नवमी को नहीं अष्टमी को अवतार लिया, शुक्ल पक्ष में नहीं कृष्ण पक्ष में उन्होंने अवतार लिया, बिल्कुल उलट। और तब वसुदेव और देवकी, इनका विवाह हुआ था महाराज। देवकी का चचेरा भाई था कंस, जो विवाह के उपरांत ये वसुदेव, जिसको जो कि सूरसेन के पुत्र है और देवकी देवक की पुत्री है, दोनों के विवाह के उपरांत जब देवकी का भाई कंस उन्हें रथ में बिठाकर विदा करने के लिए ले जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू विदा करने के लिए ले जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगा। वसुदेव जिसको निष्काम चित्त कहा है और देव की शुद्ध बुद्धि है, और जब निष्काम चित्त और शुद्ध बुद्धि का मिलन होता है तभी भगवान का प्राकट्य होता है, इसीलिए वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर के भगवान पधारे। और जब आकाशवाणी हुई तो कंस तुरंत तलवार उठाकर अपनी ही बहन को, जिसको बहुत प्रेम करता था और विदा करने के लिए ले जा रहा था, उसी को मारने लगा। तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे कि इससे तेरी क्या शत्रुता है, यदि इसकी जो संतानें हैं उससे तुझे भय है तो चिंता मत कर, हम अपनी सभी संतानें तुझे सौंप देंगे। उसको विश्वास नहीं था, इसलिए बंदी गृह में बंद कर दिया दोनों को महाराज। और एक एक करके 6 संतानें 6 पुत्र हुए, उनको 6 पुत्रों को जो है कंस को सौंप दिया गया और कंस ने उनको मार दिया। 7वें पुत्र को जो गर्भ में था, देवकी के भगवान ने अपनी माया से उसे खींच करके, बस देव जी की एक और पत्नी जो नंदगांव में रहती थी उसके गर्भ में डाला, और वही जो है रोहिणी, उसके बालक के रूप में भगवान का एक और अवतार हुआ बलराम के रूप में। और तब 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान जो है गोविंद सरकार, कृष्ण पक्ष बिल्कुल अंधेरी रात अष्टमी तिथि, और ऐसे में अर्धरात्रि के समय भगवान का वहां पर प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ महाराज, तू ही जाने, तू ही भगवान को ले आओ भैया, अगर बनाए हो तो
तू ही जाने, ओ श्याम तू ही जाने, वो तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी ना तेरे तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, मिला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी ना तेरे तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी ना तेरे तू ही जाने, बंदी ग्रह
सी मुझे नदी ना बिना माने बाहाने भूले नब दिन को पोती नी पाक भूले राम लिकाई ने मेला गगने घुमराई ने पार मेघ घटा धर घट करे मन मोर बन घट घट करे मन मोर बन घट घट करे मारू मन मोर बन घन घट करे मन मोर बन घन घट करे मोर बन घन घट करे सावन जाने बरसे सुंदर बरसे बादल बरसे अंबर गणपति दुखी दल से सागर से लगन प्रहर से दुखी तारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे गोकुल आओ गिरधारी रे गोकुल आओ गिरधारी बन धन घट करे मन मोर मन मन मोर बन धन घट करे असारम मेघ मलारम बनी बहारम चल धारम तारम विस्तारम तरित तारम विस्तारम समारम व्यास लबारम नंद कुमारम निरिख्यारी राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी मारो बने गति करे मन मोर बने भगवान का प्राकट्य हुआ, अपने आप ही सारे बंधन खुल गए। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि आप हमें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। नंद बाबा छोड़ के यहाँ छोड़ने के लिए गए, वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, उनके यहाँ बालिका का जन्म हुआ, उस बालिका को तो ले आए और भगवान को वहां पर नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ आए। इधर पता चला दूसरे दिन कंस को कि कन्या हुई, पर कोई बात नहीं कन्या को ले आओ। जब उस बालिका को लेकर के मारने के लिए दीवार पर फेंका तो हाथ से छूट कर आकाश को चली गई और उसने कहा करे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और इधर जब पता चला यशोदा आनंद बाबा के यहाँ लाला हो तो महाराज वहां तो बस आनंद ही आनंद हो। लाला जायो है लाला जायो है बिरजमा लाला जायो है बिरज में लाला जायो है बिरज में बिरज में बिरज में है रही जय जयकार नंद उसको वैसे नहीं मनेगा। आप लोग अगर शांति से बैठेंगे तो ऐसे नंद नहीं मनता है। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और जोर से मेरे साथ गाइए, खुद भी उठिए। Yeah.
के झूठ नंद कर राधे झूठ के झूठ नंद कर राधे बाल सब हिल मिल राधे बाल बाल सब हिल मिल राधे परमानंद समान आज सुख सब निभायो हे परमानंद समान आज सुख सब निभायो हे Yeah.
I'm gonna make it.
रखवारे।